मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और अभी हम बनारस के लिए निकल रहे हैं और काफी अंधेरा। आप देख सकते हैं अभी सुबह हो चुकी है, लगभग 6:15 हो रहे हैं टाइम अभी, और अभी आप देख रहे हैं कितना कोहरा है, आगे पीछे कुछ भी नहीं नजर आ रहे सही ढंग से। आप देख सकते हैं कि मेरे हस्बैंड अभी ड्राइव कर रहे हैं और कोहरे की वजह से हमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो अभी हम लोग ड्राइव सेफली ही कर रहे हैं ताकि किसी को परेशानी ना हो। पता नहीं गाड़ी कैसे चलेगी हमारी, लेकिन किसी तरह कोशिश तो कर रहे हैं। देखिए साइकिल जा रहे हैं भैया, लेकिन हमें अभी दिख नहीं रहा सही ढंग से। दिख रहे हैं कितना कोहरा है, बाबा, ओह माय गॉड, कुछ भी नहीं, आगे आदमी है, साइकिल है। तो देखिए आप लोग कितना कोहरा है, ये हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो हमने गाड़ी आगे कर ली किसी की और उसके बाद हम उनके पीछे कर रहे हैं। बहुत काफी 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 गहरा कोहरा। आरवी तुम देख रही हो, अजीब नहीं लग रहा तुम्हें? अब आरवी को भी देख सकते हैं, आरवी यहाँ बैठी हुई है। आरवी को कैसे लग रहे हैं कोहरे? अच्छे लग रहे, ठंडे लग रही है? हा? नहीं लग रही है। देख रहे हैं यहाँ पे टर्निंग है, कुछ है, हमें कुछ भी नहीं दिख रहा। इतना खतरनाक कभी मैंने महसूस नहीं किया अपनी लाइफ में, जितना खतरनाक वाला फीलिंग अभी आ रही है। ये आप जब फील करोगे ना तभी आपको एहसास होगा, क्योंकि ऐसे फीलिंग आपको बताने से तो नहीं आने वाली। जब आप खुद के साथ ऐसा अनुभव करते हैं ना, तो ये चीज बहुत अच्छे से हम लोग समझ पाते हैं कि कितना डेंजरस होता है फॉग वगैरह में ड्राइव करना। बट हमें जाना था बनारस, तो निकलना तो जरूरी है ही, तो चलिए फिर हमारे साथ। आप लोगों को लग रहा होगा बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होगी कि आखिर हुआ क्या कि हमें बनारस के लिए निकलना पड़ रहा है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ बता दूं कि आज मेरा एग्ज़ाम है और मेरा पेपर है सीटेट का, तो अभी मैं उसी के लिए जा रही हूँ। हमारी वहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम 8:45 ही है, तो देखते हैं पहुँच पाते हैं या नहीं, क्योंकि काफ़ी का कोहरा है, मतलब बता नहीं सकते। इतनी मॉर्निंग में मैंने उठ के सारे सब कुछ को संभाला, फिर बाबू को लेकर के यहाँ गाड़ी में हूँ, फिर देखिए कैसा जाता है एग्जाम अभी। और आप देख सकते हैं ना कि बार बार इस तरीके इतने अंधेरे थे कि मतलब हमें ट्रक दिख ही नहीं रहा था कि किस तरीके से आ गया वो सामने, वो तो बार बार हम लोग बच चुके हैं। ये देखिए सनराइज हो रहा है, अभी देख सकते हैं आप, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बाबरपुर वाले, उधर एयरपोर्ट है, वाराणसी का ये एयरपोर्ट है और ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये फॉग की वजह से हम आपको दिखा नहीं पा रहे सही ढंग से। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है उसका एंट्री पॉइंट, यहाँ से है, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुँच चुके हैं वाराणसी और आप देख सकते हैं ये जो ब्रिज बना है ना, तो इस पर कितनी अच्छी पेंटिंग्स बनी है आप देख सकते हैं, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए रुक चुके हैं, क्योंकि गाड़ी ड्राइव करते करते ये भी थक चुके हैं और काफ़ी ठंड है बाहर। बहुत ही सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी मतलब क्या बताएं, अद्भुत पेंटिंग है ये सारी जिन्होंने बनाई होगी, बहुत बहुत मस्त। मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, देख सकते हैं आप। ये सुबह की धूप और ये इतने खूबसूरत खूबसूरत पेड़ लगे हैं ना, बहुत प्यारा लग रहा है, और उसके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, बहुत अद्भुत नज़ारा है। ये ब्रिज सामने से जाती हुई, ये काफ़ी अद्भुत और प्यारा सुंदर सा ये मैरिज हॉल है
जो ये वाराणसी में ही स्थित है। इसकी ये गेट है मेन एंट्रेंस, बहुत ही अच्छी अद्भुत टाइप की लग रही है। काफी बड़ा भी है। धूप एकदम अच्छी खासी हो रही है, आज तो लग रहा है कि मौसम काफी अच्छा होगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अपने सेंटर पे, देवा महिला महाविद्यालय, जो कि वाराणसी में स्थित है। तो अभी हम लोग जब अंदर जाएंगे तो पता नहीं, अंदर कॉलेज है तो मेरी एंट्री होगी आधे घंटे के बाद, तो अभी हम बाहर ही वेट कर रहे हैं। सारे 5 बजे ख़त्म हो गई थी, मैं वहाँ से निकल के अभी वाराणसी में ही हूँ और अभी हम लोग घर के लिए रवाना हो चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है मुझे, काफ़ी स्ट्रेसफुल था मेरे लिए, क्योंकि वो जो कंप्यूटर लैब थी वहाँ पे एसी नहीं ऑन थी, जिसकी वजह से मुझे एक्सेस सोफिकेशन फील हुआ सेकेंड टाइम में। फर्स्ट सिटिंग में तो नहीं हुई, लेकिन सेकेंड टाइम में मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सेस सोफिकेशन हुई। मेरे को लगा कि मैं पेंट हो जाऊंगी, लेकिन पता नहीं, अब भगवान भरोसे किसी तरह एग्ज़ाम दिया मैंने, फिर मैं निकली। उसके बाद मैंने गाड़ी को पहले खोज अपने ढूंढ लिया, फिर हम दोनों लोग बैठ के अभी हम लोग चल रहे हैं अपने घर की तरफ। तो देख सकते हैं मेरे हस्बैंड ड्राइव करते हुए, मैं आप लोग देख सकते हैं कितना जगमगाता हुआ ये वाराणसी। इन्हें सुंदर बनाने के लिए थैंकफुल योगी जी। यहीं पर अपना ब्लॉग आज समाप्त करने जा रही हूँ। मेरे चैनल पे इसी तरह बने रहिए, मेरे आगे के ब्लॉग देखने के लिए बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूल।